हेलो फ्रेंड्स, HTML ट्यूटोरियल के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये HTML का पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें हम लोगों को HTML टैग्स, एलिमेंट एंड HTML के स्ट्रक्चर के बारे में जानने वाले हैं। इससे पहले मैंने HTML के इंट्रोडक्शन किया हूँ और उससे जो टेक्स्ट एडिटर होता है या वेब ब्राउजर, उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, ओके किस लिए यूज करते हैं, वो भी हमने पिछले वीडियो में बता दिया हूँ। और जो वो वीडियो नहीं देखा हूँ देखे हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, या इधर आई बटन पे आएगा, उसे आप क्लिक कर देख लीजिए और तब इस वीडियो को देखिए। तो चलिए इस वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज हम टैग्स के बारे में जानने वाले हैं। जैसे मैंने नोटपैड को ओपन कर रहा हूँ, तो देखिए टैग्स का मतलब क्या है। HTML में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है टैग्स। अगर यू समझिए कि अगर जो आप HTML में टैग्स की नॉलेज आपको हो गई, तो आप तो HTML की लैंग्वेज भी आपको हो गई, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट टैग्स के बारे में है। आपको इस पेज पे कंटेंट दिखाना है, जैसे ये बॉडी हो गया, इस पेज पे हमको दिखाना है कुछ भी कंटेंट। कंटेंट में से कोई भी फाइल, वीडियो हो गया, इमेजेस हो गया या टेक्स्ट हो गया, कोई भी इस पे प्रेजेंट करना है तो उसके लिए अलग अलग, अलग टैग्स की ज़रूरत पड़ता है। तो बेसिकली यही टैग्स का मतलब। बेसिक टैग्स हम किसी भी कंटेंट को घेरा लगाते हैं। HTML मार्कअप लैंग्वेज, बेसिकली हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या है, मार्कअप। तो ये कोई घेरा, मार्कअप मीन्स घेरा, एक किसी चीज़ को घेरा लगाता है। तो ये टैग्स के बीच में जो भी चीज़ लिखा जाता है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो देखिए ये अपने टैग्स के बारे में जान गए। जैसे मान लीजिए कि जैसे मैंने लिख दिया कंप्यूटर, तो ये आप अपनी भाषा में क्या समझेंगे, ये एक टेक्स्ट है। बट इसी कंप्यूटर को अगर मैं एंगल ब्रैकेट के अंदर इसको रख दूं, इस तरह एंगल ब्रैकेट के अंदर इसको मैं रख दूं, तो ये टेक्स्ट नहीं कहलाएगा, बल्कि ये एक टैग्स कहलाएगा। ये एक टैग है, क्योंकि देखिए किसी भी टैग को इसके अंदर रखेंगे तो वो एक टैग कहलाएगा। समझ गए फ्रेंड्स। और एक और भी आप ध्यान रखिए कि ये बेसिकली टैग्स ये शुरू करने का मेथड है, और टैग्स यहाँ से इसको एंगल ब्रैकेट के अंदर आप स्लैश देंगे तो ये टैग क्लोज हो गया। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कंप्यूटर एक ऐसे कि टैग नहीं है HTML का, बट आपको बताने के लिए ऐसा किया जा रहा हूँ। देखिए ये कंप्यूटर टैग स्टार्ट हो गया, सही है। और इसको क्लोज करने के लिए आप यहाँ पर इसके बाद एंगल स्लैश के बाद आप फिर कंप्यूटर को लिखिए, कंप्यूटर को। तो देखिए ये एक टैग्स माना जाएगा, ये पूरा कम्प्लीटली टैग्स है, समझ गए। उसी तरह HTML होता है। जैसे मान लीजिए कि आप लिखते हैं HTML, तो ये आपके शब्द में एक टेक्स्ट है। बट इसी को अगर आप एंगल ब्रैकेट के अंदर इस तरह लिख दे रहे हैं तो ये एक टैग्स कहलाएगा। देखिए इसको हम लोग स्टार्टिंग टैग्स कहते हैं, और इसको हम लोग बेसिकली एंगल ब्रैकेट स्लैश और HTML लिखेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं क्लोजिंग टैग। तो आप क्लियर हो गए होंगे, ये है स्टार्टिंग टैग, ये है क्लोजिंग टैग। आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो टैग आप स्टार्ट करेंगे उसको आपको एंड करना होगा।
क्योंकि इसी के बीच में आप जो भी कंटेंट लिखेंगे, बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का टैग्स होता है, आप जो जैसा टैग इसमें लिखेंगे वैसा इस पे आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। हर चीज़ के लिए अलग अलग टैग बनाया गया है। ऐसे इसको प्रेजेंट करना है तो अलग टैग आता है, इसको प्रेजेंट करना है तो अलग टैग आएगा, या इन सभी को प्रेजेंट करना है तो अलग अलग टैग्स आता है। उसी के माध्यम से इस टैग के बीच में आप जो भी लिखेंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये तो बेसिकली एक टैग्स है, उसी तरह एक होता है। मान लीजिए कि आप लिखते हैं इस तरह बॉडी आप लिखते हैं तो ये आपके शब्द में एक टेक्स्ट है, बट इसी को आप जो इस तरह एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो ये एक टैग है। और ये बेसिकली कौन सा टैग है फ्रेंड, ये स्टार्टिंग टैग है। और इसी को अगर मैं इस एंगल स्लैश ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ तो ये भी एक टैग्स है, बट ये क्लोजिंग टैग्स है। और इसके अंदर हम लोग जो भी लिखेंगे वह इसमें प्रेजेंट होगा। जैसे मान लीजिए कि इसके अंदर मैं कोई भी चीज़ लिख दे रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा वेब, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर वेब लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक टैग्स के अंदर बंद है, तो इसका ये भी इसमें प्रिंट होगा और आपका इसका आउटपुट देखने को ज़रूर मिलेगा। अब समझते हैं एलिमेंट के बारे में। जिसमें देख लीजिए आप यहाँ पर आप बॉडी टैग ही लिखते हैं और यहाँ पे आप बॉडी टैग को क्लोज करते हैं, इस तरह आप बॉडी टैग को क्लोज कर दिए, बट इसके अंदर आप जो भी कंटेंट लिखेंगे, जो भी टेक्स्ट आप इसके अंदर लिखेंगे, ये पूरे को आप एलिमेंट बोलते हैं। पूरे ये टैग्स और ये कंटेंट, ये सभी मिलाकर आप इसको एलिमेंट बोल सकते हैं। जैसे और भी आप अपनी मर्जी से कोई भी टेक्स इधर ले लीजिए, जैसे ABC आप टेक्स ले लिए और इसके अंदर आप लिखते हैं गूगल और इसको क्लोज कर लेते हैं इस तरह, तो ये भी एक एलिमेंट ही कहलाएगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग के अंदर ये बंद है गूगल, इसीलिए इस पूरे स्टेटमेंट को हम लोग एलिमेंट के नाम से जानते हैं। अब जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आपको बनाया गया है, ये यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा है न्यू टैब, तो सबसे पहले आप इसको कैसे यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग HTML के स्ट्रक्चर को जानते हैं। तो HTML के स्ट्रक्चर को जानने के लिए आप नोटपैड को ओपन कीजिए, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में ही बता चुके हैं कि हम लोग जो भी HTML को कोडिंग लिखूँगा तो वो इस नोटपैड में ही मैंने लिखूँगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखिए, ये पूरा भी कंटेंट बंद है तो ये HTML के अंदर बंद है, तो हम लोग सिक्वेंसेस ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग HTML टैग को स्टार्ट कर लेते हैं और उसके बाद इस HTML टैग को क्लोज कर लेते हैं। तो देखिए ये मैंने HTML टैग को स्टार्ट किया और यहाँ पर HTML टैग को क्लोज कर दिया, तो ये ऐसा डॉक्यूमेंटेशन आपको बन गया होगा, बट इसमें दिखेगा नहीं, बट डॉक्यूमेंटेशन ऐसा बेसिकली इनविजुअल होगा, ये ऐसा बन गया। ठीक, अब चाहते हैं कि आप ये बना यहाँ पे न्यू टैब लिखा गया है, इसे बेसिकली टाइटल कहा जाता है HTML के रिस्पेक्ट में, इसको टाइटल कहा जाता है। तो टाइटल कहा जाता है तो आपको तो टाइटल टैग स्टार्ट करना होगा, तो टाइटल टैग बेसिकली आप स्टार्ट कीजिए इस तरह एंगल ब्रैकेट के अंदर टाइटल को स्टार्ट करें और इस तरह टाइटल को क्लोज भी कर दीजिए। और ये यहाँ पे आप जो भी कंटेंट टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने
यहाँ पे मैंने कंप्यूटर को लिख दे रहा हूँ इस तरह। अब इसको बेसिकली आपको सेव तो करना होगा, तभी तो यहाँ पे दिखेगा। तो सेव करने के लिए आप फाइल पे क्लिक कीजिए और सेव एज आपको चूज नहीं करना है, आपको भाई सेव क्लिक चूज नहीं करना है, आप सेव एज चूज कीजिए। आप फाइल कहाँ पे सेव करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लोकेशन को डिफाइन करें। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि डेस्कटॉप पर, मैं डेस्कटॉप को चूज किया और यहाँ पर फाइल नेम है, यहाँ पर ही आप अपना मर्जी से कोई भी फाइल नेम आप अपना दे सकते हैं। जैसे मैंने दे दिया टेस्ट दे दिए और आपको यहाँ पर फाइल सेव एज टाइप आप टीएक्सटी रखिए, कोई बात नहीं। और इनकोडिंग में आप आंसी या UTF-8 रखिए, UTF-8। और यहाँ पे देखिए आप फाइल नेम टेस्ट लिख दिए। अगर जो आप यहाँ पे सेव करेंगे तो ये एक टीएक्सटी फाइल में ये आपको जितना पे टेक्स्ट लिखेंगे है तो ये एक टीएक्सटी फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। बट हमको तो टीएक्सटी फाइल में कन्वर्ट नहीं करना है, हमको तो ये HTML फाइल बनाना है। तो HTML फाइल बनाने के लिए आप सबसे पहले कोई भी अपना एक नाम चूज कर लीजिए, बट उस नाम के बाद आपको एक्सटेंशन कोड लगाना ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं कि एक्सटेंशन कोड क्या होता है। तो जैसे आप मान लीजिए कि कोई भी मूवीज हो गया तो मूवीज के लिए .mp4 चाहिए, जी .mp4 चाहिए। इमेजेस के लिए .jpg या .png होता है। उसी तरह HTML का भी एक एक्सटेंशन होता है, HTML का एक्सटेंशन होता है .html। तो जरिए फिल जाइए फाइल पे और सेव एज पे क्लिक कीजिए और डेस्कटॉप को चूज कीजिए और यहाँ के फाइल नेम में मैं लिख दे रहा हूँ टेस्ट। और टेस्ट के बाद आप .html को लिखिए। ये .html आपको लिखना कंपलसरी है, क्योंकि यही आपको यही बताता है कि ये फाइल ऑर्डिनरी फाइल नहीं है, ये HTML का फाइल है। तो देखिए मैंने .html लिख दिया और यहाँ पे आप सेव कीजिए और इसको मिनिमाइज कीजिए। जैसे मैंने सेव किया तो देखिए यहाँ पर ये आपको एक टेक्स्ट फाइल बन गया, बेसिकली ये एक HTML फाइल बन गया। आप इस पर राइट क्लिक कीजिएगा और प्रॉपर्टी में जाइएगा तो देखिएगा कि देखिए यहाँ पर आपको दिखने को मिल रहा है .html मिल गया फ्रेंड्स। अब इसको हम लोग रन करते हैं इसमें। तो इसमें रन करने के लिए आपको इस पर डबल क्लिक करना होगा या यहाँ से ओपन पे क्लिक करना होगा। तो देखिए ये ओपन हो गया। तो फ्रेंड्स हमने कहा था कि ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर ये आपको देखने को मिल रहा है। मीन्स ये एक टाइटल है, तो मैंने टाइटल में जो भी कंटेंट लिखा हूँ ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर गूगल दिखे तो इस कंप्यूटर को आप रिमूव कर दीजिए और यहाँ पर गूगल लिख दीजिए। फिर आप यहाँ पर जैसे बदलाव के कर दिए हैं तो फिर तो आप इसको सेव करना होगा। तो आपको सेव करने के लिए फाइल टैब पर जाइए और आपके पास सेव एज नहीं, आपको सेव पे क्लिक करना होगा या आप कंट्रोल प्लस एस दबाएगा तो ये कंटेंट सेव हो जाएगा। तो ये बेसिकली सेव हो गया और सेव होने के बाद देखिए यहाँ पर नहीं कंप्यूटर लिखा हुआ आ रहा है, गूगल लिखा हुआ नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे आपको इसको रिफ्रेश करना होगा। रिफ्रेश जैसे ही करेंगे देखिए यहाँ पे आपको गूगल लिखा हुआ आ गया। अब बनाते हैं इस पेज को, डॉक्यूमेंट पेज को। तो डॉक्यूमेंट पेज को बनाने के लिए आपको तो पता ही है कि आपको बॉडी बनाना होगा। तो चलिए हम लोग बॉडी टैग को स्टार्ट करते हैं। देखिए इस तरह बॉडी टैग स्टार्ट हो गया और इस तरह बॉडी टैग को हम लोगों ने क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा एक पेज हमारे HTML फाइल में बन गया। ये भी इंडिविजुअल होगा, सिर्फ ऐसा डॉक्यूमेंटेशन बन गया होगा। अब इसमें आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो इधर प्रिंट होगा इसमें, इस पेज में, ना कि इस पेज में, क्योंकि ये एक बॉडी है।
यानी यहाँ पर लिखने के लिए आप टाइटल टैग का उपयोग करके किए और इस पेज पे लिखने के लिए इस बॉडी पे बॉडी में लिखने के लिए आपको बॉडी टैग की आवश्यकता होगा। तो जैसे चलिए मैंने बॉडी टैग को ये स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर इसको मैंने क्लोज कर दिया और आप में आप इस ऐप में जो जो भी चीज़ लिखिए जैसे मैं लिख दे रहा हूँ सब्सक्राइब माई चैनल। देखिए ये हो सब्सक्राइब माई चैनल। अब इसको फिर जाइए फाइल पे और सेव पे क्लिक कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपका वो जो मैंने जो आप इसमें लिखे गए हैं सब्सक्राइब माई चैनल इसमें आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आपको फिर यहाँ पे आपको रिफ्रेश करना होगा। तो देखिए आपने रिफ्रेश कर दिए हैं तो यहाँ पे आपको सब्सक्राइब माई चैनल लिखा हुआ आ गया। जरिए इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं इस तरह। तो देखिए आपको सब्सक्राइब माई चैनल लिखा हुआ आपको इधर मिल गया। आप इसमें जो भी कंटेंट लिखते हैं जैसे और मैं लिख दे रहा हूँ YouTube चैनल और आपको फिर यहाँ पे फाइल टाइप जाकर सेव पे क्लिक कीजिए और यहाँ को यहाँ से आपको रिफ्रेश कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल गया सब्सक्राइब माय चैनल फिर देन यूट्यूब चैनल। क्योंकि देखिए ये हम लोगों ने बॉडी टैग के अंदर इस चीज़ को लिखा हूँ तो आपको बॉडी टैग के अंदर जो भी आप लिखेंगे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपने क्या क्या सीखा ये बेसिकली आप मान सकते हैं कि ये एक HTML का स्ट्रक्चर है। तो चलिए फिर से हम लोग HTML स्ट्रक्चर को लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या क्या करना होगा आपको HTML टेक्स्ट को राइट करना होगा। तो देखिए आप एंगल ब्रैकेट के अंदर इस तरह HTML लिखिए और यहाँ पर आप HTML को एंगल ब्रैकेट सेलेस के साथ आप HTML को इस तरह आप क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद आप सिक्वेंस ऑर्डर में ही पहले इस टाइटल को बनाना है तब फिर इस बॉडी को आपको बनाना है। तो टाइटल को बनाने के लिए आप टाइटल टैग को स्टार्ट करते हैं इस तरह। आप एंगल ब्रैकेट के अंदर टाइटल लिखिए और इस तरह एंगल ब्रैकेट स्लैश के साथ टाइटल को आप क्लोज कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से ये टाइटल बन गया। अब इस बॉडी को बनाते हैं। तो बॉडी को बनाने के लिए आप इस यहाँ से आप बॉडी टैग लिखिए इस तरह। देखिए आप ये बॉडी टैग स्टार्ट कर दिए और यहाँ से आपके एंगल स्लैश ब्रैकेट के अंदर आपको बॉडी को क्लोज कर देना होगा। तो देखिए यहाँ से HTML स्टार्ट हुआ यहाँ पे क्लोज हुआ टाइटल टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्लोज हो गया। उसी तरह यहाँ बॉडी स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आपको बॉडी क्लोज हो गया। आप यहीं इसी बॉडी में जो भी लिखेंगे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और टाइटल में जो भी यहाँ पे लिखेंगे आपको वो देखने को मिलेगा। जैसे मैं इसमें लिख दे रहा हूँ डेमो और इस यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं वेलकम टू माय फर्स्ट वेबसाइट। देखिए हो गया। आप कंट्रोल एस अपने कीवर्ड से दबाइए या आप फाइल टैब पर जाइए और सेव पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आने के बाद आपको रिफ्रेश करना होगा। देखिए आ गया वेलकम टू माय फर्स्ट वेबसाइट। चलिए फिर आप इसको रिवाइज कर लेते हैं। आपने क्या क्या पढ़ा आपने टैग्स के बारे में जाना टैग्स तो आपने जान गए कि इस पेज पे आप जो भी कंटेंट दर्शाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टैग्स की नॉलेज चाहिए क्योंकि अलग अलग टैग्स है। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर टाइटल लिखे हैं तो यहाँ पर कोड आपको दिखने को मिला। आप बॉडी लिखे हैं तो यहाँ पर आपको दिखने को मिला है। तो टैग्स का मतलब यह है कि आप जिस कंटेंट को दिखाना चाहते हैं अपने वेबसाइट पर तो आपको टैग्स के माध्यम से ही इसको आपको दर्शाना होगा। उसके बाद आप एलिमेंट के बारे में जानने तो एलिमेंट का मतलब क्या है कि कोई भी एक कम्प्लीटली टैग के अंदर जो भी कंटेंट लिखा होगा। जैसे इस तरह आप टाइटल टैग लिखे इस तरह और इसमें आप डेमो लिखें और टाइटल टैग को आप क्लोज कर दिए। तो
ये पूरा कम्प्लीटली टैग कंटेंट के साथ कंटेंट इसमें ये कहाएगा और ये एक टैग कहाएगा, टैग और कंटेंट के साथ ये पूरा स्टेटमेंट आपका आप इसे एलिमेंट कह सकते हैं। सबसे पहले ये आपने इसमें इसको एलिमेंट कह सकते हैं और फिर आपने HTML के स्ट्रक्चर के बारे में आप जाने। और कल के वीडियो में हम लोग HTML के बारे में और कुछ जानेंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और इससे रिलेटेड आपके मन में जो भी क्यूरी होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।